प्रदेश सरकार भले जितने भी दावे करे नकल विहीन परीक्षा करवाने की, मगर उसके दावों की हवा नकल माफिया निकाल दे रहे हैं। पहले कैमरा लगवाया तो बोल कर कॉपियां लिखी जाने लगी, फिर माइक भी लगवा दिया तो नकल माफियाओं ने इसकी काट निकाल लिया और अलग कमरे में कॉपियां लिखी जाने लगी। इस बार तो नकल माफियाओं ने पूरा अपना साम्राज्य फैला लिया है और कॉपियां परीक्षा होने की एक रात पहले ही लिख दिया जा रहा है। क्राइम ब्रांच द्वारा एक व्यक्ति के घर में 9 बच्चियों द्वारा कॉपी लिखते हुए पकड़ी गई है और क्राइम ब्रांच ने जो है अगतरा हम लोग विद्यालय पर पहुंच गए हैं और सभी क्वेश्चन पेपर के बंडल चेक किए गए, बंडल सही सलामत है, लेकिन जो साल पेपर करते हुए लड़कियां जो पकड़ी गई हैं उन्होंने प्रबंधक का नाम बताया, उसके लड़के का नाम बताया है और तत्काल प्रभाव से उनके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज करने जा रहे हैं और तत्काल प्रभाव से यहाँ के केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक स्टेटिक मजिस्ट्रेट को हटाया जाएगा। साथ यहाँ की इस केंद्र को डिबार करने की संस्तुति कर दी जाएगी रिपोर्ट के साथ और मान्यता प्रत्याहरण के लिए सामाजिक विषय का पेपर था।